गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज 8 बजे की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, आज हमारा पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं के बारे में सेकंड क्लास है। हाँ, कल का पहला क्लास है जो कि अपलोड कर दिया गया है। पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है, ये सब आज की वीडियो में देखेंगे, जो कि 3 से 4 नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखेंगे कि सामाजिक सहायता योजना क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सामाजिक सहायता योजना क्या होती है। सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत 3 प्रकार की पेंशन योजनाएँ होती हैं। साथ ही राज्य सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत 2 प्रकार की पेंशन योजनाएँ होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत वो कौन से 3 प्रकार की योजनाएं हैं। तो चलिए, तो पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। सेकंड की मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। और तीसरा की बात करूं तो कौन सी योजनाएँ हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त योजना है, निःशक्त पेंशन योजना है। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना होती क्या है ये देखेंगे। चलिए, जैसे कि देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के बारे में, तो इसकी पात्रता कौन कौन है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना या वृद्धा पेंशन योजना की मैं बात करूँ तो वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग को वृद्धा पेंशन योजना मिलती है। जैसे कि बीपीएल के परिवारों को सर्वे सूची 2002 में नाम होना अनिवार्य है। बीपीएल वालों को सर्वे में 2002 में नाम होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करूं तो राशि की, तो कितने राशि मिलती है, तो 350 रुपये प्रतिमाह मिलती है। तो कितने रुपए मिलती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में, 350 रुपये प्रतिमाह। कितने उम्र वालों को, 60 वर्ष से अधिक और 89 वर्ष से नीचे वालों को। और जैसे कि देखिए, वृद्धा पेंशन योजना की बात करूं तो 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धा पेंशन योजनाएं को 650 रुपये प्रति माह दिया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 150 रुपये, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 650 रुपये दिया जाता है। केंद्र और राज्य को मिलाकर वृद्धा पेंशन योजना 80 वर्ष से ऊपर वालों को दिया जाता है। अब देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के बारे में बात करूं, तो विधवा पेंशन योजना क्या है। जैसे देखिए, विधवा पेंशन योजना पात्रता 40 वर्ष से लेकर 89 वर्ष के न्यूनतम, यानी कि 40 वर्ष से अधिक और 89 से नीचे उनको वर्ग को विधवाएँ पेंशन योजना मिलती है। वो भी बीपीएल परिवार में 2002 में नाम होना अनिवार्य है। जैसे कि अब राशि की मैं बात करूं तो 350 रुपये प्रति माह, 300 रुपये केंद्र सरकार की ओर से तथा राज्य सरकार की ओर से 50 रुपये, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 350 रुपया होता है। तो 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है विधवा पेंशन योजना को, ठीक है। इसके बाद विधवा पेंशन योजना के बाद लाभार्थी, यानी कि इसके बाद देखिए, अगर 80 वर्ष से ऊपर होता है विधवा पेंशन योजना में, अगर 80 वर्ष से ऊपर हो तो 650 रुपया दिया जाता है। वो भी 650 रुपया विधवा पेंशन योजना माइग्रेट में दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 प्रकार की योजना पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे तीसरा, कौन सी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत 3 प्रकार की पेंशन योजना मैं बताया हूँ, तो तीसरा कौन सा है, निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि निःशक्त जन योजना में पात्रता कौन कौन है, इसकी योग्यताएं कौन कौन सी है। तो चलिए देखेंगे जैसे कि इसकी योग्यताएं हैं, तो पात्रता की मैं बात करूँ तो 18 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम, यानी कि 89 वर्ष से नीचे और 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है। आयु के वर्ग के गंभीर एवं बहुनिशक्त जन, गंभीर से निशक्त तात्पर्य है कि किसी एक प्रकार की निशक्तता से है, ठीक है। तो जो 80% से अधिक हो, जैसे कि बीपीएल सर्वे सूची में आपको पहली बार बताया हूँ कि बीपीएल परिवार वालों को 2002 में नाम होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए,
जैसे कि यहाँ पर राशि कितना मिलती है, तो निःशक्त जन में राशि 500 रुपये प्रति माह मिलती है, केंद्र सरकार की ओर से 300 रुपये, याद रखिएगा। साथ में कॉपी और पेन नोट करते चलिएगा, 500 रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 150 रुपये या 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये राज्य सरकार की ओर से। कॉपी पेन रख लीजिएगा साथ में, मैं नोट करते चलिएगा, आप लोग मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब इसमें देखिए, अब इसके बाद पढ़ेंगे, ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं बताता है, राज्य सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत दो प्रकार की योजनाएं होती है, दो प्रकार की पेंशन योजनाएं होती है, कौन कौन सी होती है, तो वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ठीक है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या होती है, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 6 साल से, पात्रताएँ किनको मिलती है, 6 साल से 17 वर्ष के आयु को, यानी कि 18 वर्ष से कम, ठीक है, जो कि जिनमें 6 से 14 वर्ष के निःशक्त जन बच्चे जो कि अध्ययन नहीं है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए हों, यानी कि अध्ययन नहीं किए गए हों, है ना, तो उसके बारे में उन्हें कोई पात्रता नहीं होगी, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले को सामान्य निःशक्त जन, उनको पात्रता मिलेगी, जो 18 वर्ष से अधिक हैं उनको पात्रता ही मिलेगी, और साथ ही पढ़ाई किया होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि बौने व्यक्ति को मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा योजना बौने व्यक्ति को है। उसके बाद बीपीएल परिवार में सूची में 2002 में नाम होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राशि की, तो कितने रुपए राशि मिलेगा, 350 रुपये, कितना, 350 रुपये मात्र मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सके, साथ ही एक लाइक करते चलिएगा वीडियो को। चलिए अब देखेंगे सुखद सहारा पेंशन योजना होता क्या है, तो सुखद सहारा पेंशन योजना क्या होता है, तो चलिए देखेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सुखद सहारा पेंशन योजना जो कि पात्रता है 18 वर्ष से अधिक और 39 वर्ष से आयु की विधवा, ठीक है, जो कि 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के परिकृत्य महिलाएं जो बीपीएल सर्वे सूची 2002 में नाम होना अनिवार्य है, जो भी अभी तक मैं जो योजना बता रहा हूँ वो सब 2002 में नाम होना अनिवार्य है, याद करते चलिएगा, नोट्स रख लीजिएगा साथ में। राशि की मैं बात करूँ तो 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 350 रुपये प्रति माह, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है। उसके बाद 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में माइग्रेट हो जाता है, यहाँ पर अंडरलाइन करते चलिएगा, 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। नोट, अब सब देखिए, अब पांच में पेंशन योजनाएं बता चुका हूँ, कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा की मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन योजना, जो कि इस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत तीन प्रकार की योजनाएं हैं, और दो योजनाएं कौन सी है, राज्य सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत, कौन कौन सी है, सुखद सहारा पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये पांच योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ सबके 2 से 3 नंबर बनेंगे, कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपको राशि पूछा जाएगा, कितने वर्ष के ऊपर से मिलता है, कौन कौन को मिलता है, ये सब पूछेंगे। इसके बाद देखें कि पांचों पेंशन योजनाओं के लिए बीपीएल सूची 2002 में नाम होना अनिवार्य है, सबसे बात तो यही है। इसके बाद गरीबी रेखा के प्रमाण पत्र यानी कि एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी और डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सत्यापित एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी होना चाहिए। अब देखेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजनाएं, तो कौन कौन सी योजना है, तो राज्य शासन की नवीन पेंशन योजनाएं देखेंगे, तो चलिए राज्य शासन की नवीन योजनाएं देखेंगे, तो राज्य शासन की नवीन योजनाएं हो जाती है, जैसे कि प्रारंभ कब हुआ है, 2018 में हुआ है इसका नवीन योजना है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना की बात कर रहा हूँ। तो पात्रता कौन कौन को है, पात्रता कौन कौन इसके लाभार्थी हैं, तो चलिए देखेंगे, 18 वर्ष से ऊपर की विधवा,
ठीक 18 वर्ष से अधिक के वर्ष की विधवा परिकृत्य महिला एवं 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध। अब इसके बाद सूची या सूचकांक के बाद नाम होना अनिवार्य है, ठीक है, D1 D7 से। राशि की मैं बात करूँ तो 350 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। यही आपको योजनाएं हैं। इसके बाद पार्ट टू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि इस क्लास 3 में बताऊंगा, ये तो हमारा क्लास 2 है ना, जो कि प्रमुख योजनाएं देख रहे हैं। कल से क्लास 3 में बहुत सारी योजनाएं देखेंगे जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद ये सभी योजनाएं कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आपको देना होगा कि कितने सिलेक्टेड हैं, कौन कितना पानी में है, आपको पता चल जाएगा।